नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चार बहुत ही सरल और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही चमत्कारी टोटकों या उपाय कह लीजिए उनके बारे में। यदि किसी के परिवार में सदैव कलह क्लेश की स्थिति हो, परिजन आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हों, धन नहीं टिकता हो या बीमारियों से आपका घर कभी खाली नहीं होता हो, बीमारियां आपके घर में डेरा जमाए रहती हों, तो आपके परिवार को ज़रूरत है देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने की। यदि आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके परिवार के लोगों पर सदैव बनी रहे, तो जो चार उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन उपायों में से आप चार के चारों भी कर सकते हैं या कोई भी एक भी कर सकते हैं, दो उपाय भी कर सकते हैं, कोई भी तीन उपाय कर सकते हैं और चार के चारों एक साथ भी कर सकते हैं। इससे आपके घर में पैसा भी टिकेगा, धन आकर्षित भी होगा, पैसा नहीं है तो पैसा आपकी ओर खिंचा भी चला आएगा। सबसे पहला उपाय करना यह है कि सुबह जल्दी उठ करके पीपल के वृक्ष को कुमकुम और चावल चढ़ा करके आप प्रार्थना करें, कहें कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी समस्या का समाधान करें, और दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और प्रणाम करके घर चले आएं। जैसे मैंने आपको शनि अमावस्या के उपाय में बताया था कि एक लोटे में आधा दूध, कच्चा दूध, कुछ लोगों ने यहाँ तक प्रश्न किया कि दूध उबला चलेगा कि कैसा चलेगा। मतलब कई बार तो आश्चर्य होता है कि पूजा पाठ में हमेशा कच्चा दूध इस्तेमाल होता है, तो कच्चा दूध और जल मिलाइए, उसमें कुछ शहद या कुछ मीठा चीनी या गुड़ मिला लीजिए, वो आप समर्पित करिए। ये द्रव्य चढ़ा करके, अर्घ दे करके पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके प्रणाम करें और वापस चले आएँ। ये उपाय, ये नियम आपको कम से कम 45 दिन करना होगा। आप शनिवार से या सोमवार से इसको आरंभ कर सकते हैं, दुख और दारिद्र मिटाने के लिए, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। दूसरा उपाय यह है कि हनुमान जी के मंदिर जाया करें मंगलवार और शनिवार। इसके बाद मंदिर में जाकर के कहीं भी एक भारी पत्थर वहां पर रख करके चले आएं। मंदिर अगर खुला सा प्रांगण है, कहीं खुली सी एक कोई जगह है, तो वहां पे एक भारी सा पत्थर रख करके चले आएं। समस्या का निदान हो जाने पर आप उस पत्थर के वजन के बराबर, जितना भी उसका वजन है, मान लीजिए सपोज करिए कि 5 किलो का पत्थर है, 7 किलो का पत्थर है, आप एक अंदाजा लगा लीजिए। उसको लेके तौलवाने या वजन कराने जाने की जरूरत नहीं है, एक अंदाज ले लीजिए। उस वजन के बराबर उस मंदिर में ही हनुमान जी को मिष्ठान का, प्रसाद का भोग लगा करके वितरण करा दीजिए, ठीक है। ये दूसरा उपाय हुआ। और जब आप मंदिर जाते हैं तो अपनी मनोकामना, दुख दारिद्र निवारण के लिए अपनी मनोकामना आप हनुमान जी से जरूर कहें। ये आपको उपाय एक बार, मतलब पत्थर रखना सिर्फ एक बार है, दर्शन करने आपको नियमित जाना, और आप जाते रहिए तो देखते रहिए कि आपका रखा हुआ पत्थर वहां पर है कि नहीं, किसी ने हटाया तो नहीं है। तीसरा उपाय यह कि हर शनिवार को पीपल के वृक्ष पर काले तिल मिला करके सिर्फ जल चढ़ाएं और अपनी समस्याएं पीपल के वृक्ष से कहें। धन से जुड़ी हुई आपकी समस्त समस्याएं कुछ ही दिनों में, 45 दिन या 90 दिन के भीतर भीतर दूर होना आरंभ हो जाएंगी। चौथा उपाय है कि अपनी समस्याओं को विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष कहें और केसर का दान ब्राह्मण को करें। समस्या का समाधान होने पर यथाशक्ति प्रसाद चढ़ा करके आपको उसका वितरण कर देना चाहिए। तो आप चाहें तो अपने सामर्थ्य अनुसार इनमें से कोई भी एक, कोई भी दो, कोई भी तीन या चार के चारों उपाय एक साथ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। कोई भी वैदिक उपाय एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और सुझाव आपको बहुत पसंद आते होंगे। इसमें कोई बहुत खर्च भी नहीं है, आप घर बैठे अपनी सुविधा के अनुसार घर के आसपास मंदिर जा करके ये उपाय कर सकते हैं। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने
प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की आठवीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभव नाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।